हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डोनर डॉक्टर वंस अगेन। होप एवरीथिंग इज फाइन। तो ये वीडियो में हमने आया क्विक अपडेट आई है एक, जैसे मैंने आपको कल बताया था पिछले वीडियो में कि ड्रोन इंपोर्ट रुक गया ताकि इंडियन ड्रोन इंडस्ट्री बूस्ट हो, मेड इन इंडिया ड्रोन्स बूस्ट हो। लेकिन अब एक नई अपडेट आई है जो कि गुड न्यूज़ है ड्रोन लवर्स के लिए इंडिया में। एंड दैट न्यूज़ इज़ कि अब जो रिलैक्सेशंस नैनो ड्रोन्स को थी वो माइक्रो ड्रोन्स तक एक्सटेंड कर दी गई हैं। कहने का मतलब कि अब आपके पास अगर नैनो के ऊपर यानी 250 ग्राम से लेकर 2 केजी तक कोई भी कंज्यूमर ड्रोन है तो इसमें हमारे सारे कैटेगरीज आ जाती हैं। फैंटम, मैविक एयर, मैविक प्रो, एवरी ड्रोन इज अंडर 2 केजी जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर वीडियोग्राफी एंड ऑल दैट। तो वो सारे ड्रोन्स को रिलैक्स कर दिया गया है। क्या है अपडेट, क्या है अमेंडमेंट, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। आगे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो नई अमेंडमेंट ये है फ्रेंड्स कि जो पहले नैनो ड्रोन्स के लिए था कि आप नैनो ड्रोन्स अप टू 50 मीटर कहीं भी उड़ा सकते हैं, मतलब कोई इसमें आपको वो नहीं चाहिए लाइसेंस या ऐसा कुछ, कोई डॉक्यूमेंट उसको उड़ाने के लिए नहीं चाहिए। उसी तरह वही चीज़ एक्सटेंड कर दी गई है माइक्रो ड्रोन्स के लिए, मतलब कि अगर आपके पास अप टू 2 केजी ड्रोन है देन यू कैन फ्लाई दैट ड्रोन विदाउट एनी दिस काइंड ऑफ लाइसेंसिंग, जो कि पहले थी रिक्वायर्ड। बट फॉर नॉन कमर्शियल पर्पस, मतलब कि कोई आप कमर्शियली उसको बहुत सारे, जैसे आपका पूरा कोई फर्म है जिसमें बहुत सारे ड्रोन है, उसको आप नॉन कमर विदाउट एनी परमिट या उसको उड़ा रहे हैं, देन देयर इज प्रॉब्लम। इफ़ यू आर इंडिविजुअल लाइक मी देन आपको कोई ऐसा परमिट, ऐसा कोई लाइसेंस नहीं चाहिए फॉर योर ओन पर्पस। जैसे कि आप वीडियो बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फैमिली का शॉर्ट्स ले रहे हैं, विद इन लिमिट्स आपने उड़ाना है। ये नहीं है कि सारा आपको ओपन कर दिया, विद इन लिमिट जो रेगुलेशन मैं आपको पहले बताते आया हूँ कि रेड एरिया में नहीं उड़ाना है, जो सेंसिटिव एरिया में वहाँ नहीं उड़ाना, खुले में आप उड़ा सकते हैं, आपको कोई लाइसेंस नहीं रिक्वायर्ड होगा फॉर योर पर्सनल यूज। ऑन अदर हैंड इफ यू गो इट फॉर कमर्शली देन इट इज़ रिक्वायर्ड। तो ये जो चीज़ है काफ़ी रिलैक्स्ड किया है गवर्नमेंट ने इन दिस अमेंडमेंट। और इसके बाद एक नई इसमें क्लॉज आई है सर्टिफिकेट वाली, एक है लाइसेंस, एक है सर्टिफिकेट। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लेरिफाई करूँगा। इस वीडियो में सिर्फ यही अपडेट है कि नैनो ड्रोन्स की जो रिलैक्सेशंस थी वो माइक्रो ड्रोन्स तक कर दी गई हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले वालों से वीडियो से आ रहा है कि इंपोर्ट बंद कर दिया है, भाई जिसके पास डीजे ड्रोन है उसका क्या? तो जिसके पास डीजे ड्रोन को घबराने की जरूरत नहीं है, डीजीआई ड्रोन को उड़ाना बैन नहीं है, इंपोर्ट करना बैन किया गया। आप अपनी लिमिट्स में जो भी रेगुलेशंस ड्राफ्ट की गई हैं उसमें उड़ाते हैं देन देयर इज नो इशू, यू कैन फ्लाई योर ड्रोन विद इन दोज लिमिट्स अकॉर्डिंग टू लॉज। मतलब आप लॉज को फॉलो करते हुए वो ड्रोन्स को उड़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ड्रोन इंपोर्ट बैन हुआ है तो आप डीजीआई के ड्रोन, क्योंकि 80% ड्रोन है ही डीजीआई के, तो वो सब बर्बाद थोड़ी करने, तो उन पे कोई रोक नहीं लगी है, प्रॉपर सारा कुछ करके। आप इसमें यह कन्फ्यूज मत कर देना कि माइक्रो ड्रोन को यूआई नंबर या रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, वो चाहिए होगी। सिर्फ यहाँ पर रिलैक्सेशन दी है कि पहले वो सर्टिफिकेट और लाइसेंसिंग वाला फंडा भी इन्होंने घुसा दिया था बीच में, वो अब सेपरेट कर दिया कि जैसे आप नैनो ड्रोन खुला उड़ा सकते हैं विदाउट एनी लाइसेंस पार्ट, वो चीज़ आप पर्सनल पर्पज के लिए कर सकते हैं माइक्रो ड्रोन्स में, ठीक है। अब इसके बाद मैं आप क्यू एंड ए करूंगा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस पिछले में भी आ गए हैं, क्वेरीज इसमें भी आएंगे, मैंने मेन आपकी सॉल्व कर दी हैं, इसके बाद हम स्पेसिफिक सब्सक्राइबर वाइज क्वेश्चंस लेंगे इन द नेक्स्ट। और जिसको वो पूछना है इस वीडियो के अंदर आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन लिखें, क्योंकि मैं इस वीडियो वाले और जो लास्ट वीडियो में जो हो गया उसको भी ले लूँगा, इले वाले तो आएंगे हर एक बंदे का विद नेम आई विल आंसर, ठीक है। तो अपनी क्वेरीज आप यहाँ लिख सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अपडेट अच्छी लगी होगी। इट्स अ गुड न्यूज़ कि अब नैनो वाला रिलैक्सेशन माइक्रो तक सरकार ने दे दिया। सो डोंट वरी एंड एंजॉय ड्रोन फ्लाइंग। थैंक यू।